Hello dear students, today we are going to learn about chapter 11, transport of substances in plants and animals. In previous lecture, we have understood what is circulatory system of a animal. Okay, structure of a heart, how does the heart work. Today's topic is composition of blood. कि जो हमारा blood होता है वो किससे बना होता है. Generally हमारे blood में red blood cells present होते हैं, white blood cells present होते हैं, platelets present होते हैं. जो कि यहाँ पे आप red color की देख सकते हो, वो red blood cells हैं. ये white blood cells हैं. एंड ये उसे बहुत ही छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्लेटलेट्स हैं. और जो ये पोर्शन ब्लड का एक फ्लूइड में पास होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. ओके, जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. ओके, तो ये सभी डिसॉल्व सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट हमारे बॉडी में प्लाज्मा से कैरी होता है. जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे बॉडी को वो ब्लड में से जाएंगे. इज वेल एज जो भी सेल्स ने एक्सक्रीट किया होगा, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होगा वो ब्लड से वापस आएगा. ओके, तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होगा. ओके, उसी की वजह से वो रेड कलर का दिखता है. ओके, तो वो ब्लड के अंदर किसके पास होगा, तो रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन होता है और इसी की वजह से हमें ब्लड का रेड कलर दिखता है. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड दिखते हैं. अभी रेड ब्लड सेल का स्ट्रेप कैसे होता है, जैसे कि आप देख सकते हो. ओके, वो बीच जो उसका सेंटर पार्ट है वहां से थोड़े से दब चुके होते हैं और साइड से वो थोड़े से फूले होते हैं. ये ब्लड में बहुत ही कॉमन होता है. सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट दिस थ्रू हीमोग्लोबिन. ओके, एंड ये गैसेस का एक्सचेंज करता है. ओके, इसका काम क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करना. जैसे कि हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कैरी करता है, तो उसके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेड ब्लड सेल्स बहुत ही जरूरी है. अभी आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर. तो जैसे आप फिगर में देख सकते हो, रेड व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं और उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है. इट मींस वो गैसेस एक्सचेंज भी नहीं कर पाते हैं. दे आर फ्यूअर एंड बिगर, बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स, और बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल्स है, जो कि क्या काम कर रहे हैं, kill germs and defend the body against infectious disease. तो कोई भी जर्म आ जाएगा वो उसको पहचान लेते हैं और उसको बॉडी में इन्फेक्शन ना स्प्रेड होने पाए, ये ध्यान रखना है. okay. अगर बॉडी में कोई अनवॉन्टेड चीज आ गई जो बॉडी को हार्म कर रही है, उससे प्रोटेक्शन का काम करने का व्हाइट ब्लड सेल का काम है. ओके, अभी आते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर. ये हमारे बॉडी के जो ब्लड का पार्ट होता है उसमें टाइनी फ्रेगमेंट होते हैं. ओके, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो. तो जब हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, इट मींस बाय एक्सीडेंटली और या फिर बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं. तो ये जब ब्लड के अंदर फ्लो होंगे तो वो वहां पे क्या करेंगे, क्लॉट क्रिएट कर देते हैं. इट मींस वहां पे जम जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे सील लग जाता है. ओके, तो ब्लड वहां से जो वेस्ट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा. सो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो ये बहुत ही जरूरी काम है उसका, ब्लड क्लॉटिंग का. चलो अभी आगे जाते हैं. अभी आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है, ये बनी है पतली पतली लिम्फ वेसल्स है. जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, वैसे हमारे बॉडी में लिम्फ वेसल्स होते हैं, जो कि
lymph vessels lymph nodes से connect होते हैं, जैसे roots अलग separate होते हैं, वैसे ही lymph nodes से अलग अलग lymph vessels जुड़े होते हैं। अगर blood capillaries से निकल जाता है तभी वो directly किस में enter कर लेता है, इस lymphatic system में, और ये lymphatic system जहाँ पे दूसरी जगह पे खुलती है तो वो blood vessels में ही वापस चला जाएगा। So some of plasma oozes out from the walls, जो उसकी walls में से निकल जाता है, enter into lymphatic vessels and is drained back into the blood vessels, तो वापस वो अपनी blood vessels में चला जाता है। तो ये तो था हमारा lymphatic system। अभी थोड़े से questions हैं, उसके आंसर हम देंगे। जैसे कि first है, what is the blood of vertebrates made up of? जैसे कि हम सब humans vertebrates में आते हैं, animals जो कि vertebrates में आते हैं, वो सब में जो blood होता है उस वो कौन कौन सी चीजों से बना है? Why is blood red? हमारा blood red क्यों दिखता है? What is the fluid portion of blood called? जो fluid portion होता है blood का, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा है, What is the lymphatic system made up of? Lymphatic system किससे बनते हैं? चलो students, ये सारे equations solve कर लेना। अगर video अच्छा लगा तो like कर देना। Thank you.